एक छोटी सी चूक के कारण बज एल्ड्रिन बन गए थे चांद पर पेशाब करने वाले पहले इंसान। जब भी चांद पर किए गए मिशन का जिक्र होता है तो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का ही नाम आता है, जिन्होंने किसी इंसान के रूप में चांद पर पहला कदम रखा था। 20 जुलाई सन 1969 को अपोलो 11 के मिशन पर गए नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन ऐसे तीन इंसान थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा। चांद पर सेफ लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे आगे थे, उन्होंने अपना पहला कदम बाहर निकाला और नीचे पैर रखते ही चांद पर पहला कदम रखने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नील आर्मस्ट्रांग के बाद बज एल्ड्रिन ने भी चांद पर अपना कदम रखा। भले ही बज एल्ड्रिन ने चांद पर सबसे पहले कदम रखने का रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन ना चाहते हुए भी वह बन गए चांद पर पेशाब करने वाले पहले शख्स। सन 2016 में ओपी एंड एंथनी रेडियो शो में बातचीत के दौरान बज एल्ड्रिन ने खुद इस घटना के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि स्पेस यात्रियों की कमर के बगल में एक बैग अटैच होता है। इस डिवाइस को यूरेन कलेक्शन डिवाइस UCD कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं काफी देर स्पेस क्राफ्ट में ही था और उसके बाद चांद की सतह पर भी रुकना था। दूसरी तरफ बैग भी लगभग फुल हो चुका था। लैंडर की सीढ़ी से उतरते वक्त आपको अपने मूवमेंट को संभालना होता है। मैंने लैंडर की खिड़की से देखा तो नील आर्मस्ट्रांग 20 मिनट से सैंपल जुटाने में व्यस्त था और मुझे पता था कि यूरेन एक समस्या होने वाली है। मैं सीढ़ी से उतरा और मुझे जोर से पेशाब लगी थी। मुझे पता था कि चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और बैग भी खाली नहीं है। तभी बज एल्ड्रिन मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मैंने पेशाब किया है। साथ ही एल्ड्रिन ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। दरअसल जब वे अपोलो 11 लैंडर की सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त उनके स्पेस सूट में रखे एक खास बैग से पेशाब निकलकर चांद पर फैल गया। नतीजा यह हुआ कि ल्यूनर मॉड्यूल से चांद की सतह तक का छोटा सा कदम एक शालांग के रूप में बदल गया, जिसके झटके की वजह से एल्ड्रिन ने जो यूरिन इकट्ठा करके एक डिवाइस में रखा था वह टूट गया और यूरिन उनके एक शू पर जा गिरा। जब एल्ड्रिन चांद की सतह पर चले तो यह भी फैलता गया, जिसके कारण अनजाने से ही सही लेकिन बज एल्ड्रिन बन गए थे चांद पर पेशाब करने वाले पहले इंसान।